हसास समझे जाने वाले टाउन भैंसा में कल रात तकरीबन 11 बजे उस वक्त कशीदगी फैल गई जब पता चला कि एक शरपसंद हिंदू नौजवान ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम की अपनी आईडी भैंसा वाला पर एडिट करदा एक वीडियो पोस्ट वायरल किया जिसमें मरकजी मस्जिद पंजेशाह की मीनारों पर एडिट करते हुए भगवा झंडे लहराते हुए जय श्री राम के नारे बुलंद करते हुए वीडियो अपलोड कर दिया। इस पोस्ट को देखने के बाद मुस्लिम नौजवानों में शदीद बरहमी पैदा हो गई और मुस्लिम नौजवानों ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस खाते के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस दौरान मस्जिद पंजेशाह कमेटी के सदर अब्दुल वाजिद बनारसी और मावर रुकन बल्दिया इब्राहिम ने अलहदा शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। बादजा एडिशनल SP कांतिलाल सुभाष पाटिल ने बरहम मुस्लिम नौजवानों से बात करते हुए उन्हें इस बात का दयाखन दिया कि वो पुरमन माहौल को मख्तर करने वाले शरपसंद हिंदू नौजवान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और बहुत जल्द इसको गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर SP पाटिल ने आवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर तवज्जो ना दें और पुलिस से ताबुन करें। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट के हुकाम को पीर के रोज़ नामालूम शख्स की जानिब से एक ईमेल मौसूल हुआ जिसमें हैदराबाद बेगमपेट एयरपोर्ट में बम रखे जाने की इतला थी। इस इतला के साथ ही पुलिस हरकत में आ गई। नामालूम अफराद की जानिब से एक ईमेल भेजा गया जिसमें बम रखे जाने की इतला थी। हैदराबाद पुलिस ने CSF के अहलकारों के साथ बेगमपेट एयरपोर्ट की तलाशी ली। ये ईमेल हवाई अड्डे के हुकाम को बेगमपेट हैदराबाद में मौसूल हुआ जिसके बाद CISF को हवाई अड्डे की सिक्योरिटी और पुलिस के इंचार्ज सेंट्रल फोर्स को अलर्ट कर दिया गया। हैदराबाद पुलिस बम डिटेक्शन स्क्वाड ने मुकामी पुलिस के साथ मिलकर हवाई अड्डे पर मुकम्मल तलाशी ली जिसके बाद ये इतला झूठी साबित हुई। हैदराबाद के मदाफाती इलाके गटकेसर में साबिक MPTC के कत्ल की वारदात आई पेश। तफसीलात के मुताबिक 40 साला साबिक MPTC महेश को हैदराबाद के मदाफाती इलाके गटकेसर में कत्ल कर दिया गया। महेश 17 जून को घर से निकलने के बाद लापता हो गए और वापस नहीं आए। उनके भाई विठल ने पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर लापता शख्स का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। अफसोसनाक बात यह है कि महेश की नाश NFC नगर डंपिंग यार्ड से बरामद हुई। मुकामी पुलिस महेश की मौत से पर्दा उठाने और इसके वहशियाना कत्ल के जिम्मेदारों को पकड़ने के लिए अपनी तहकीकात रखे हैं जारी। अठारहवें लोकसभा का पहला इजलास पीर की रोज से शुरू हुआ जो 3 जुलाई तक जारी रहेगा। इजलास के पहले दो दिन नए मेंबराने पार्लियामेंट हलफ लेंगे। लोकसभा के नए स्पीकर का इंतखाब 4 शंबे को होगा। जुमेरात को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू दोनों ऐवानों के मुश्तरक इजलास से खिताब करेंगे। पीर को ऐवान की कार्रवाई शुरू होने से पहले सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में प्रोटेम स्पीकर के तौर पर भरत रेहरी मेहताब को ओहदे का हलफ दिलाया। तेलंगाना में बड़े पैमाने पर IAS अहदेदारों के तबादले कर दिए गए। रियासत के 44 IAS अहदेदारों के तबादलों के अहकाम जारी किए गए। जंगलात और माहौलियात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अहमद नदीम और इनकम टैक्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर मुर्तुदा अली रिजवी को मुकर्रर किया गया है। सरफराज अहमद को मेट्रोपोलिटन कमिश्नर HMDA, शेख यास्मीन बादशाह को डायरेक्टर हार्टिकल्चर मुकर्रर किया गया है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने उन अहदेदारों के तबादलों के अहकाम किए जारी। BRS के MLA वो साबिक वजीर जी कमलाकर ने कांग्रेस में शामिल होने की कयास आरइयों की तरदीद की। उन्होंने पार्टी सदर KCR से मुलाकात की। कमलाकर ने करीमनगर के मेयर वाई सुनील राव, पार्टी टाउन के सदर चल्ला हरिशंकर और BRS कॉरपोरेटर्स के साथ KCR से उनकी एरावली फार्म हाउस पर मुलाकात की। MLA ने वादे किया है कि उनके BRS छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता और कहा कि वो पार्टी में रहकर आवामी मसायल पर लड़ेंगे। कमलाकर के BRS छोड़ने की अफवाहें हफ्ते के रोज मनाकोंडूरू के MLA डॉक्टर कुंपली सत्यनारायण के तबसरे के बाद शुरू हुई। मीडिया से बातचीत करते हुए सत्यनारायण ने कहा था कि कमलाकर बहुत जल्द कांग्रेस में शामिल होंगे। ऐसी ही अफवाहें पार्लियामेंट के इंतखाबात से कबल भी गर्दिश कर रही थी। ताहम कमलाकर ने एक वीडियो पैगाम जारी करके उसकी तरदीद की थी। वहीं दूसरी तरफ मेयर के खिलाफ कयास आरइयां उस वक्त भी जोर पकड़ गई जब उन्होंने मरकजी वजीर मुमलिकत बनने पर मुबारकबाद देने के लिए मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला बंडी संजय से मुलाकात की थी। जगतियाल BRS पार्टी के रुकन असेंबली कांग्रेस में हो गए शामिल। जगतियाल असेंबली हलके से BRS पार्टी की नुमाइंदगी करने वाले रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार ने
जुबली हिल्स में वाक़ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के क़ियामगा पहुंचकर उनसे मुलाकात की और कांग्रेस में शामिल हो गए। इस मौके पर वज़ीर आला ने संजय कुमार को कांग्रेस खंडवा पहनाया। इस मौके पर वज़ीर इत्तला'आत व ताल्लुकात आमा पी श्रीनिवास रेड्डी भी मौजूद थे। इस तरह अब तक बीआरएस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले 5 अरकान असम्बली कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जिनमें डी नागेंदर, टी वेंकटराव, कड़ियम श्रीहरि, पी श्रीनिवास रेड्डी और डॉक्टर संजय कुमार शामिल हैं। इंदौर बीजेपी युवा मोर्चा के शहर नायब सदर मोनू कल्याने का इंदौर में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। बताया जाता है कि मोनू कल्याने मध्य प्रदेश हुकूमत में काबिनी वजीर कैलाश विजयवर्गीय का बहुत करीबी था। ये वाकया शहर के एमजी रोड थाने के इलाके चमनबाग में पेश आया। पुलिस के मुताबिक पुरानी दुश्मनी की वजह से पीयूष और अर्जुन ने मोनू कल्याने को गोली मारी। फिलहाल दोनों मुजरिमीन फरार हैं, जिनकी तलाश है जारी। शहर के मदाफात में एक खान की ट्रैवल्स की बस बेकाबू होकर आउटर रिंग रोड पर उलट गई। यह हादसा इतवार की रात पेश आया। इस हादसे में उपल से ताल्लुक रखने वाली 33 साल खातून ममता की मौत हो गई। बस उलट जाने के नतीजे में खातून बस के नीचे दब गई। इस बस में 18 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 15 जख्मी हो गए। हादसे के बाद मसरूफ तरीन आउटर रिंग रोड पर तकरीबन 2 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गया। जख्मियों को इलाज के लिए नानाकराम गुड़ा के खानगी अस्पताल मुंतकल कर दिया गया। यानी शाहिदीन के मुताबिक ड्राइवर की जानिब से बर्फ रफ्तारी से गाड़ी चलाने के नतीजे में यह हादसा पेश आया। बताया गया है कि खानगी बस कच्ची बोली पटनचेरू से पुडुचेरी की सिमत जा रही थी। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। बॉलीवुड अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा और उनके बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल शादी के बंधन में बंध गए। उन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। उस वक्त सोनाक्षी सिन्हा और जहीर के अरकान खानदान के अलावा कुछ करीबी अफराद भी मौजूद थे। शादी के मौके पर बॉलीवुड के मशहूर अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा भी मौजूद थे। वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। उन्होंने नए जोड़े की दुआएँ दी और कहा कि उनकी इकलौती बेटी शादी के बंधन में बंध गई। फिल्म अदाकार व दुल्हन के वालिद ने कहा कि हर बाप इस लम्हे का इंतज़ार करता है जब उसकी बेटी को उसकी पसंद के शख्स के हवाले किया जाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में रात 10:30 और 11 बजे के दरमियान तमाम तजारती इदारों को बंद करवाने का अहकाम जारी किया। दोनों शहरों में पेश आने वाले कत्ल गारतगिरी के वाकयात का जायजा लेने के बाद रेवंत रेड्डी ने रियासती महकमे पुलिस के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो रात 10:30 बजे बाजार बंद करवाने के इकदाम करें और किसी भी तजारती इदारे को रात 11 बजे के बाद कारोबार की इजाज़त ना दी जाए। रेवंत रेड्डी की जानिब से जारी करदा अहकाम में कहा गया है कि रात के अवकात में आवारागर्दी से गुरेज के लिए नौजवानों को पाबंद किया जाए और बिला वजह सड़कों पर घूमने के सिलसिले को तर्क करवाया जाए। अलावादी सड़कों और आम मकाम पर खुलेआम शराब नोशी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। इस्लामी तालीमात का अहम हिस्सा दौलत कमाना नहीं बल्कि खिदमत खल्क है। अपनी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुँचे। एक मुसलमान के हाथों दूसरे मुसलमान का कत्ल नहीं होना, मुसलमान का पैसों की तरफ मायल नहीं होना ही इस्लाम की असल नुमाइंदगी है। हिंदुस्तानी मुसलमानों के पास एक बेहतरीन मौका है क्योंकि बैरूनी ममालिक में हिंदुस्तान अपनी शबीह दुरुस्त करने में मसरूफ़ है। सिफारती अमले में मुसलमानों का फुकदान नुमाया है। मुसलमानों को चाहिए कि वो इंजीनियरिंग, मेडिसिन और दीगर पेशे वाराना कोर्सेज के बजाय IAS, IPS और IFS जैसे महकमों में किस्मत आजमाई करें। बैरूनी ममालिक में मौजूद सिफारतखानों में तकर्रुरात पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करें। मुसलमानों की बैरूनी ममालिक के हिंदुस्तानी सिफारतखानों में भर्ती कौम और मिल्लत की बेहतरीन खिदमत का एक ज़रीन मौका है। इन ख्यालात का इजहार जनाब आमिर अली खान, न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत ने इदारतुल इल्म महदविया लाइब्रेरी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा 13वें सालाना अब्दुल जब्बार खान कैश ग्रांट तकरीब से खिताब के दौरान किया।